बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह पाक आप सबको खुशियाँ दे। प्यारे व्यूअर, जैसा कि आज का हमारा व्लॉग है, मैं जा रही थी बाहर। मैं बाहर इसलिए जा रही थी कि मेरे बच्चों ने बाहर जाके चारपाई रखी है, बल्कि रोज़ाना ही चारपाई बाहर जाके रखते हैं 3 बजे, और वहाँ जाके पढ़ते हैं। ठंडी ठंडी हवा शाम के वक्त चल रही होती है, और मैं तो जा रही थी बाहर। मैंने सोचा हम अपने व्यूअर से भी शेयर करते चलें। व्यूअर में हमारी यही दुआ होती है, हमारे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें। आपको जो भी परेशानियाँ हैं अल्लाह पाक आप सबकी दूर करे, और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको भी शफा दे, आमीन सुमा आमीन। प्यारे व्यूअर, आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, जो मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है और मेरी वीडियो को शेयर करना है। तो चलती हूँ, अब देखती हूँ बच्चे बाहर क्या कर रहे हैं, वो आपसे शेयर करेंगे। व्यूअर, आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, तो चलते हैं। अच्छा, तो प्यारे व्यूअर चलते हैं, अब देखते हैं कि मेरे बेटे बाहर क्या कर रहे हैं और क्या है उनके काम। व्यूअर, एक और बात बताते चलूँ, ये देखिए हमारे चाचू ने जो खेत ली है उन्होंने बीजी थी, और ये उन्होंने इकट्ठी करके रख दी। ये देखिए कैसे खड़ी हुई है, और उन्होंने खड़ी कर दी है। नहीं, अगर ये नीचे ऐसे ही बिखरी रहती तो इसके सारे बीज बाहर निकल जाते, इसीलिए उन्होंने महफूज की हुई है। उसके बाद थ्रेशर मंगाएंगे और उसके बाद ये तिली निकलवाएंगे। तो अब चल के देखते हैं मेरे बेटे क्या कर रहे हैं। व्यूअर, हमारे बच्चे इसी तरह से 3 बजे बाहर ये मंजी लेके आते हैं और बैठ के पढ़ते हैं। ये देखिए हवा चल रही है, माशाल्लाह ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये देखिए मेरे मेंढे भी माशाल्लाह खुशी से खड़े हुए हैं। अब जो के टाइम हो रहा है इनको बांधने का, घास पे 4 बजे का टाइम है, और अब मैं इनको घास पे बांधूंगी और ये खुशी से घास खाएंगे। तो अभी फिलहाल देखते हैं यामीन की और मुबीन की किताबें हम आपको दिखाते हैं। मुबीन ने भी जल्द करवाई है और यामीन की भी जल्द हुई है माशाल्लाह से। ये देखिए, ये देखिए मेरे बेटे को किताबें मिली हैं। ठहरो बेटा, आप प्यारे व्यूअर को सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। और मुबीन आप? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो व्यूअर ये देखिए, ये वन की वो है, वन की किताबें हैं मेरे बेटे ने ली हैं, और बिन यामिन से हम थोड़ा सा सबक भी सुनेंगे। इसको सबक आता है कि नहीं? कल मेरे बेटे को किताबें मिली हैं। आपको आता है सबक? तो सुनाओ ना बेटा, ये क्या है? अरे वाह, क्लैपिंग करो, शाबाश, क्लैपिंग करो, मेरे बेटे को आते हैं सबक आता है। अच्छा, तो प्यारे व्यूअर अब मैं, ये देखिए ये जो मेरे मेंढे हैं, और अब मैं इनको खोलूंगी और इनको जाके घास पे बांधूंगी। सबक याद कर लो बेटा, उसके बाद ट्यूशन पे जाना। अच्छा, तो व्यूअर मैंने जैसा कि वो सामने देखे वो बकरियां बांध ली घास पे, और अब मैं जोटे कराटे खेलने लगी हूँ इन इस सब्जी से, जो कि ये पहले थापी भी उठाई है, और मैं तोड़ने लगी हूँ सब्जी, और उसके बाद ये मिट्टी भी मैंने उठानी है, ये इसीलिए लेके आई थी थापी, ये रखते हैं इधर। तो व्यूअर अब मैं ढूंढने लगी हूँ सब्जी। ये देखिए मेरे घर हम देहात में अपनी सब्जी बीते हैं। पहले तो मेरी सास की सब्जी थी और हम विवर तोड़ते रहे हैं, माशाल्लाह कद्दू थे, और अब मैं तोड़ने लगी हूँ घिया तूरी। तो ये भी बड़ी महंगी मिलती है शहर से, हमारे गांव की सब्जी होती है, माशाल्लाह हम घर में बीते। अब जो कि बारिशें आई है माशाल्लाह, ये बहुत इन पर हरियाली आई हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ विवर यहाँ कितनी अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी तूरियाँ लगी हुई है। व्यूअर ये देखिए, ये है, और व्यूअर ये देखिए, ये है तूरियाँ, माशाल्लाह लाहे रामा ले रही।
एक ये है, शहरों में जो सब्जियां पड़ी होती है पता नहीं कितने कितने दिनों की सब्जियां होती है, और ये जो ताज़ी सब्जी का मज़ा कुछ और होता है और इसका सालन बहुत अच्छा पकता है। और ये देखिए व्यूअर्स, ये देखिए ये है। जैसा कि आपने देखा माशाल्लाह इतनी वले लगी हुई थी उनकी ये तूरियों की, और उसके बाद ये देखिए माशाल्लाह कितनी तूरियां माशाल्लाह हमने यहाँ से निकाली हैं कि जा रही हूँ, और शाम को तो ये मैं यही मैं पकाऊंगी। विवर अभी जाती हूँ, इनको वो करूँगी, साफ़ करूँगी, धो के छील के और इनको सालन पकाऊँगी। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। कीजिएगा अपना ढेर सा ख्याल, रखिएगा दुआओं में याद। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।